आपका चैनल द ट्रैवल ट्रुथ। आ चुके हम फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा हो कि हम दिल्ली गए थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि हमारे घर में शादी का फंक्शन है। तो आज हम कार्ड लेकर जा रहे हैं लड़के वालों के यहाँ, और आगे आगे आपको दिखाएंगे कौन सी जगह जा रहे हैं और क्या क्या रास्ते में करते हैं। कि हम लोग की गाड़ी रेडी हो गई है, हम लोग इसी गाड़ी से जा रहे हैं। हम लोग की ये खुद की गाड़ी है, ये वरना, और सिराज भाई ड्राइव कर रहे हैं आज, और नादिश है। अभी हम लोग गाड़ी पार्किंग से लेने आए हुए थे, भाईजान और मुबशिर वहाँ वेट कर रहा है, फिर हम लोग वहाँ पे जाकर उन लोग को भी लेंगे, और साथ में हम लोग सब जा रहे हैं पटना आज। अभी हम लोग सिग्नल पे, पक्की सड़क सिग्नल पे ही अटक गए हैं और निकल रहे हैं। सिराज भी बैठे हुए हैं और अभी वहाँ पर जाके भाई उन लोग को लेना है। हम लोग को कुछ काम था इसलिए हम लोग पहले आ गए थे यहाँ पे। बशीर और ये सफान आया था कुछ काम से, इसको ड्राम लेना था इसलिए आया था, और यहाँ लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं। वालेकुम सलाम। देखिए लोग बैठ रहे हैं। एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट की हो क्या? हम किए हैं। देखिए बैठ चुके, अब हम लोग यहाँ से बिस्मिल्लाह करके निकल रहे हैं। पहले स्वीट्स की दुकान में जाना है, मिठाई लेना है, फिर उसके बाद हम लोग पटना के लिए निकल जाएंगे। हम लोग एक्चुअली आज पटना ही जाना है। अभी हम जा रहे हैं मिठाई लेने, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के लिए मिठाई लेने। तो अभी हम यहाँ कलमबाग चौक मुजफ्फरपुर मिष्ठानपुर के अंदर जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं अंदर का। मिष्ठानपुर जो कि कलमबाग चौक पे है, काफ़ी अच्छा है। हम लोग ने बहुत बार यहाँ ट्राई कर रखा है, इसलिए फिर से यहाँ पे आ रहे हैं। फ्रेश स्वीट्स मिलता है यहाँ पे। जो भाई डिसाइड कर रहे हैं कौन सा लेना है। ये स्वीट्स है यहाँ पे, बहुत सारा वैरायटीज है, पेस्ट्री, नमकीन, सब चीज़ें यहाँ पे। तीन तरह का मिठाई हमने ऑर्डर किया है, आप पेमेंट कर रहे हैं। एक हमने ये मिल्क रसगुल्ला ये लिया है, और एक ये मलाई छाप लिया है, और फिर एक हमने इस बॉक्स में से कोई लिया है। तो यहाँ से हो गया, अब पैकिंग कराने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। लिया हमने, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे। गाड़ी यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते थे, तो वहाँ हमने गाड़ी पार्क कर रखा है, तो जा रहे हैं गाड़ी के पास। तो अब गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं, और अब हम यहाँ से बिस्मिल्लाह करके पटना के लिए निकल रहे हैं। पीछे रख दो। शहर में पहुंचने वाले, दीघा ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं। सामने हमारे दीघा ब्रिज आ चुके हैं, अभी मैं आपको सनरूफ के ऊपर से दिखाते हैं। पटना शहर में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, और अब हम बहुत क्लोज हैं अपने लोकेशन से, देख रहे हैं मैप में लोकेशन सेट है, तो उसके जरिए ही हम लोग जा रहे हैं। और तकरीबन हम लोग को यहाँ पे आने में एग्जैक्ट एक घंटा लगा है घर से, अभी 10-15 मिनट शायद और लगेगा। कार्ड आया है, काफी मेहनत हुआ है भाई कार्ड पे माशाल्लाह। हम लोग पटना से निकल रहे हैं
और यहाँ ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमको देर भी हो गई है निकलने में, और दुर्गा पूजा की वजह से बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है। अब देखिए क्या होता है रास्ते में, फिर आपको दिखलाते हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं और इधर देख लीजिए दुर्गा पूजा है, यहाँ पे ये लोग जा रहे हैं पटना में, यहीं पे गंगा नदी है, ये लोग जा रहे हैं यहाँ पे अपना जो होता है इन लोग का। यहाँ से देखिए आगे क्या होता है, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है दुर्गा पूजा को लेकर, रात में भसान का है, देखते हैं आगे क्या भैया लोग साइड करा रहे हैं। जाम इतना ही है कि ट्रैफिक पुलिस लोग भी आए हुए हैं बहुत सारे हैं, अब देखिए क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कितना टाइम लगेगा। वैसे नाजिश आपको ऊपर सनरूफ खोल के दिखला। तो अब हम फाइनली जाम से निकल कर और अब हम जा रहे हैं गांधी सेतु ब्रिज की तरफ, जाम से निकले हैं और ये सामने देखिए ये फ्लाई ओवर पे चढ़ के हम लोग जाएंगे। काफ़ी थक गए हैं चूँकि शाम 2 बजे ही आए थे, बैठे बैठे थक गए हम लोग, पर अच्छा लगा जहाँ भी गए थे, काफ़ी मज़ा आया, लोग काफ़ी अच्छे थे। घर पहुँच गए, ये सामान है एक्चुअली शादी की वजह से हम लोग गए थे, तो ये सामान हल्दी का सामान हम लोग लेकर आए हैं, तो अभी अब हम लेकर इसको घर के अंदर जा रहे हैं सारा सामान। तो इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।